अब बात करेंगे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पूर्व इलाके की, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में जूता मारो आंदोलन का आयोजन किया गया। स्वतंत्र वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पोस्टर पर जूते मारते नजर आए। इस मौके पर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार हैं, उनमें वीर सावरकर को समझने की अकल नहीं है, राहुल गांधी की लायकी सिर्फ थाईलैंड है। सावरकर ने जो पत्र नीचे लिखा है वो महात्मा गांधी 10 बार लिखे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में बंद थे तब 36 घंटे के अंदर माफ़ी भी मांगी गई थी। राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र में आकर कुछ भी बोलेंगे तो यह महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। राहुल गांधी को जनगण मन भी याद नहीं है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। साथ ही उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का नाम लिए बिना ही कहा कांग्रेस के पप्पू के साथ महाराष्ट्र का भी एक पप्पू शामिल हो गया है। उन्होंने बेबुनियाद इस प्रकार के आरोप गत 3 दिन से स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ लगा रहे, उसका निषेध करने के लिए हमने जोड़ो मारो आंदोलन राहुल गांधी के प्रतिमा को किया। और हम राहुल गांधी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके आगे वो महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा करेंगे तो हम राहुल गांधी को उनके भाषा में ही जवाब देंगे। और सही में ब्रिटिशों की माफी किसने मांगी होगी तो वो पंडित नेहरू, इन्होंने 1930 में नाभा जेल से खुद को रिहा करने के लिए ब्रिटिशों की शत प्रतिशत माफी मांगी और 36 घंटे के भीतर पंडित नेहरू को ब्रिटिशों ने नाभा जेल से रिहा किया था। यह इतिहास राहुल गांधी जान ले, उसके बाद इस प्रकार की बेबुनियाद और गलत बातें करें।